इंडेक्स कॉपी हो गया? यस सर। देखिए हाइड्रोजन शोज सिमिलरिटी विद फोर ग्रुप, चार ग्रुप के साथ सिमिलरिटी शो करता है। हम यहाँ पर आपको सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी बताने जा रहे हैं। पहला सिमिलरिटी ग्रुप वन के साथ है, हाइड्रोजन वर्सेस हम पढ़ेंगे। दूसरा सिमिलरिटी ग्रुप सेवन के साथ है, क्लोरीन के साथ। तीसरा कार्बन के साथ है और चौथा नाइट्रोजन के साथ है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है ग्रुप वन के साथ। देखिए सेम कॉन्फ़िगरेशन है दोनों का, एनएस वन, सेम ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस वन, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स आप देख रहे हो, सीएल के साथ दोनों ने रिएक्शन किया है। बोथ ऑब्टेन्ड एट सेम इलेक्ट्रोड्स आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, आपको सोडियम और हाइड्रोजन दोनों कैथोड पर मिल रहा है। एंड बोथ आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, आर ए मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर प्लस टू से कॉपर जीरो हो रहा है। ये सिमिलैरिटीज हैं। इसके बाद देखिए डिसिमिलैरिटीज क्या हैं ग्रुप वन के साथ। तो पहली डिसिमिलैरिटी है आपकी एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है, सोडियम मोनो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर आप देखोगे, सोडियम मच मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन है। फिर आयनाइजेशन एनर्जी देखोगे तो अप्रोक्स टू टाइम्स है, सोडियम का 7.7 और हाइड्रोजन का 13.6 है। नेचर ऑफ ऑक्साइड देखोगे तो सोडियम का ऑक्साइड बेसिक है और हाइड्रोजन का एम्फोटेरिक है। ठीक है, करिए कॉपी। सर वो दूसरा वाला कौन सा ग्रुप है, ग्रुप सेवन है या सिक्स है? बेटा सेवन सेवन। ओके
हो गया कॉपी सर बस वन मिनट Yes. हो गया बेटा बोलेंगे यस सर देखिए ग्रुप सेवन के साथ सिमिलरिटी में दोनों डाइएटॉमिक हैं दोनों कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं ठीक है दोनों मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम देखिए दोनों इलेक्ट्रोलिसिस पे सेम इलेक्ट्रोड यानी एनोड पर मिलने वाले हैं ठीक है दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है इसके बाद अगर डिसिमिलरिटी देखेंगे तो नेचर ऑफ ऑक्साइड में H2 एम्फोटेरिक है Cl2 एसिडिक है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है अब देख रहे हैं क्लोरीन इज मच मोर हायर देन हाइड्रोजन ये हमारा 7 के साथ हो गया अब हम जरा ग्रुप 4A के साथ देखते हैं कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 2-4 और हाइड्रोजन का है 1 तो ऑक्टेट का आधा और ड्यूप्लेट का आधा बोथ हैव हाफ फिल्ड वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लेकिन जब आप 5 के साथ देख रहे हो तो 2p6 का आधा है और 1s2 का आधा है हाफ फिल्ड वैलेंस सब शेल कॉन्फ़िगरेशन तो ये एक एक सिमिलैरिटी है रेस्ट डिसिमिलैरिटीज में आएगा ठीक है करिए कॉपी
डन सर. हो गया सबका? यस. आइसोटोप्स पता है आप लोगों को क्या होता है? क्यों भाई, सुना है कि नहीं सुना है? जरा आवाज नहीं आ रही आप लोगों की. बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं आप लोग? सर कोई कुछ नहीं बोल. मतलब अच्छे बच्चे हैं जब कुछ नहीं बोल रहे हैं तो. आइसोटोप्स मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. तीन आइसोटोप्स हाइड्रोजन के हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिशियम, P1H1, D1H2, T1H3. इसमें अगर आप अबंडेंस का ऑर्डर देखेंगे तो अक्रॉस द पीरियड बोल रहा हूँ, प्रोटियम ड्यूटियम ट्रिशियम में डिक्रीज करता है. रेडियो एक्टिविटी देखेंगे तो केवल ट्रिशियम रेडियो एक्टिव है, प्रोटियम और ड्यूटियम रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, कंपैरेटिवली इंक्रीज बोलते हैं. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये सब कुछ इंक्रीज हो रही है. रिएक्टिविटी और एब्जॉर्बिंग पावर डिक्रीज होती है. ठीक है, जब मैं पूछता हूं और आप लोग आंसर नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, अब जब आप पूछेंगे तो मैं भी आंसर नहीं दूंगा, ये चलेगा अब. ओके, करिए कॉपी.
सकते हो? हाँ जी सर, मार्गेरिन क्या होता है? क्या मार्गेरिन? स्पेल करो. MARGARINE. अब ऑप्शंस पढ़ो. हाइड्रोजन गैस इज यूज इन द इंडस्ट्रियल स्केल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, C2H2, मार्गेरिन एंड वाटर. अरे वो थोड़ा बटर से रिलेटेड होता है, मार्गेरिन मिल्क प्रोडक्ट्स में यूज होता है. ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ स्पेशल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पे. सर वन मिनट. हाँ सर वन मिनट. सर और ये लास्ट पॉइंट का मतलब क्या है? क्या लास्ट पॉइंट? ये एड्सॉर्बिंग. एड्सॉर्ब कराते हैं, अभी आगे आने वाला है. हटा दें? हाँ ठीक है, लिखना होगा. देखिए स्पेशल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में पहला हाइड्रोजन है नेसेंट हाइड्रोजन. इसका मतलब होता है न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन. यह हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव भी है और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है. कैसे पता चल रहा है? तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है एरो लगा के ऊपर. जब जिंक में आप HCl डालते हो तो ZnCl2 मिलता है, और आप ये सोचते हैं कि H2 मिलता है, तो H2 नहीं, पहले H मिलता है जो बाद में H2 बनता है. तो बताइए H और H2 में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? H2. अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? H. तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? नेसेंट हाइड्रोजन. तो बस वही मैंने लिखा हुआ है. अब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट नीचे आपको बताया है, ध्यान से देखिए आप. एसिडिक KMnO4 हम लेते हैं, अब देख पा रहे हो उसमें हमने मॉलिकुलर हाइड्रोजन पास किया, कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन जब हमने नेसेंट हाइड्रोजन डाला तो वो कलरलेस हो जाता है. अभी कलरलेस कैसे हो गया? ये तो पर्पल कलर का कंपाउंड है, ठीक है, ये कलरलेस हो गया. तो कलरलेस क्यों हुआ? तो हम वो देखते हैं रिएक्शन में. जब आप KMnO4 में नेसेंट हाइड्रोजन डालते हो तो KMnO4 जो है वो MnSO4 में कन्वर्ट हो जा रहा है. ये आपके पास रिएक्शन है, अब देख पा रहे हैं +7 से +2 हो गया रिडक्शन. ये रिडक्शन किसकी वजह से हुआ? तो नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से हुआ और उसका कलर चला गया. दूसरा एक्सपेरिमेंट है एसिडिक डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर का कंपाउंड है. इसमें भी हमने पहले मॉलिकुलर हाइड्रोजन डाला तो कुछ नहीं हुआ, जब नेसेंट हाइड्रोजन डाला तो वो ग्रीन हो गया. मैंने यहाँ पे आपको दिखाया क्रोमियम 6 था, 6 से क्रोमियम 3 में कन्वर्ट हो गया. ये रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन करने वाला कौन है? नेसेंट हाइड्रोजन. ऑरेंज से ग्रीन करने वाला कौन है? नेसेंट हाइड्रोजन. तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो जाता है कि नेसेंट हाइड्रोजन गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी है और रिएक्टिव भी है. करिए कॉपी.
कॉपी हो गया सर जस्ट Dancer. सबका हो गया ना? Yes, sir. ठीक है. देखिए जरा भी occluded hydrogen. तो adsorption of hydrogen over the surface of heavy metal. Heavy metal के surface पे हम adsorption करते हैं. तो पहले तो क्या हमें adsorption का मतलब पता है कि नहीं पता है? Adsorption एक फिनोमिना है जिसके दो टाइप्स होते हैं. एक होता है एडजॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन. इसमें बी लिखा होता है दिस इज बल्क फिनोमिना. अगर ज्यादा क्वांटिटी में इन्वॉल्व है तो एडजॉर्प्शन, और एडजॉर्प्शन होता है सरफेस फिनोमिना. तो एडजॉर्प्शन जो है वो हाइड्रोजन का होता है हैवी मेटल के सरफेस पे. दैट्स व्हाई दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है. बेस्ट ऑक्लूडिंग मेटल जो है पैलेडियम होता है, फिर प्लेटिनम, गोल्ड और निकल है. आपसे पूछा गया है ये ऑर्डर तो मैंने एसएच लिख दिया है. पैलेडियम और कोलोइडल पैलेडियम. कोलोइडल का मतलब होता है कि हमने उसे पाउडर करके इतना छोटा बना दिया है, 10 to 10,000 एंगस्ट्रॉम, इतना छोटा होता है. अगर इतना छोटा आप कर देते हो तो इफेक्टिविटी बढ़ जाती है 2050 times इफेक्टिविटी और बढ़ जाएगी अगर आपने उसको कोलोइडल बना दिया है. क्यों कर रहे हैं सब कुछ हम? तो दिस इज यूज फॉर हाइड्रोजिनेशन. आपने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी है हाइड्रोजिनेशन की. इसमें हाइड्रोजन जो पास किया जाता है वो मेटल के ऊपर एड्सॉर्ब कराया जाता है. यानी H2 निकल के ऊपर एड्सॉर्ब किया था आपने, ये टेम्परेचर दिया तो वहां से निकल करके वो रिएक्शन कर जाता है. ये आपका ऑक्लूडेड है. तीसरी कैटेगरी है एटोमिक हाइड्रोजन की, जहां पर हमने हाइड्रोजन के ऊपर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया है ओवर द टंगस्टन इलेक्ट्रोड. तो आपको 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन मिलते हैं. दिस इज कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन. इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है. एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. मिलने वाला हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और इस एनर्जी का यूज हम वेल्डिंग में करते हैं, यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस नेसेंट एंड एटॉमिक? क्योंकि देखने में एक ही जैसा लग रहा है तो नेसेंट केवल आप रूम टेम्परेचर पे प्रिपेयर कर सकते हो. एटॉमिक नीड्स हाई टेम्परेचर. नेसेंट जो है कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है एटॉमिक के कंपैरिजन में. और भी डिफरेंस है मैं बताऊंगा, आप इतना कॉपी कर लीजिए उसके बाद.
हुआ कॉपी? यस सर, यस सर. सर बताइए. सर एक सवाल पूछना था बस. ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे मतलब कौन से कलर का फ्लेम होता है? ब्लू. हाइड्रोजन बॉन्ड में नहीं, हाइड्रोजन में. हाँ हाइड्रोजन में. सर पर पेल येलो फिर किसमें होता है? हैं, ये कोई बात होती है क्या? मतलब मुझे लगा हाइड्रोजन में पेल येलो होता है. ये अभी लॉन्च नहीं हुआ वाला. ठीक है सर. हाँ. देखिए जरा, दो डिफरेंस आपको बताए थे. रिएक्टिविटी में भी एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है और एटॉमिक हाइड्रोजन का आइसोलेशन पॉसिबल है, पर नेसेंट हाइड्रोजन को हम आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम उसे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन की, विच इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर. हमें पता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमेशा ऑपोजिट होता है, बट आप अंदर इसके न्यूक्लियस का स्पिन देखिए, अगर सेम डायरेक्शन में है तो आप उसे ऑर्थो बोलते हो, अगर ऑपोजिट है तो आप उसे पैरा बोलते हो. ऑर्थो को लो टेम्परेचर देने से पैरा और हाई टेम्परेचर देने से वापस ऑर्थो बन जाता है. 20 केल्विन टेम्परेचर पे 100% पैरा होता है, ये ऑब्जर्वेशन है. अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे तो पैरा का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है. क्यों? एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, कैंसिल हो गया, जीरो. जबकि ऑर्थो में 2 times ऑफ हाइड्रोजन होता है क्योंकि ऐड हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है. ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है केवल. रूम टेम्परेचर पे अगर हम H2 के लिए ऑर्थो पैरा देखें तो रेशियो 3:1 होता है, D2 के लिए 2:1 होता है और T2 में ये एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, करिए कॉपी.
Excuse me, sir. बोलिए सर, वो जो अपने सर्कल में एन लिखा है वो एन है क्या? हाँ, न्यूक्लियस. अच्छा, ओके, न्यूक्लियस. हो गया डन सर.
अभी केमिकल रिएक्शन का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, आप ट्रिक्स को रूल्स को ध्यान से देखिएगा तो रिएक्शन याद नहीं करनी पड़ेंगी। हम वाटर से हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोल्ड वाटर का मतलब रूम टेम्परेचर होता है। ग्रुप वन का कोई भी एलिमेंट यानी एस ब्लॉक, ग्रुप टू में कोई भी एलिमेंट हो एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम, यानी इन दो को छोड़ के पूरा एस ब्लॉक कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके ऑलवेज गिव्स हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन एंड एनर्जी। मतलब अगर हमने वाटर से रिएक्शन कराया कैल्शियम का तो एच टू तो हमको मिलना ही मिलना है, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम में सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मिलेगा। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा सुटेबल होगी बता सकते हैं? सोडियम वाली रिएक्शन एक्सप्लोजिव होगी, ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। इसके बाद अगर हमें सोडियम से ही हाइड्रोजन प्रिपेयर करना है तो हम सोडियम मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जिसे अमलगम बोलते हैं। ये मोस्ट प्रेफरेबल है बिकॉज इट रिड्यूसेस सरफेस एरिया ऑफ मेटल। ऐसा करने के बाद मेटल का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है और रिएक्शन सेफ हो जाती है। टू पर आते हैं, सेकेंड प्रोसेस पे, कोल्ड वाटर यहाँ भी यूज करते हैं मेटल हाइड्राइड्स के साथ तो सेम प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन प्रोसेस टू ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन नहीं देता, ये रिएक्शन सेफ है और इसमें से जो CaH2 है वो मोस्ट प्रेफरेबल है। इसका कॉमर्शियल नेम हाइड्रोलिथ है, इसे यूज करते हैं हम हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के लिए। करिए कॉपी।
हो गया कॉपी? यस सर। ठीक है, अभी हमने कोल्ड वाटर यूज किया था, अब हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अगर वाटर को हमें हॉट करना पड़े तो सिर्फ तीन मेटल हैं, जिंक, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, जो हॉट वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं एंड इट गिव्स ऑक्साइड्स। इसमें से तीनों ही ऑक्साइड दे रहे हैं, पर एल्युमिनियम का ऑक्साइड पैसिव बना देता है, फर्दर रिएक्शन को रोक देता है, इसलिए ये पुअरेस्ट सोर्स हो जाता है। थर्ड कैटेगरी में स्टीम यूज किया है हमने, स्टीम में लीस्ट रिएक्टिव मेटल आता है, ऑक्साइड और हाइड्रोजन देगा। इसमें से एक ही प्रोसेस है जो नेम प्रोसेस है, Fe को हम स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं, Fe3O4 और हाइड्रोजन मिलता है, दिस इज कॉल्ड लेन प्रोसेस। 1, 2, 3 जो हमने किया वो प्रिपरेशन था, फोर्थ प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है, बॉश प्रोसेस। इसमें हम कोक को स्टीम के साथ हीट करते हैं, CO+H2 मिलता है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सिन गैस, सिंथेसिस गैस, ब्लू गैस, वाटर गैस। इस मिक्सचर को हम आयन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, CO2 और हाइड्रोजन मिलता है, साथ में लेस अमाउंट ऑफ CO मिलता है। इस CO को हमें रिमूव करना है, रिमूवल के लिए हम अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड और हाई प्रेशर पास करते हैं। इसके आगे का पार्ट हम आपको आगे बताते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए।
हो गया कॉपी? यस. देखिए जरा नेक्स्ट प्रोसेस आपका. हाँ, हमने यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड पास किया था, CO2 और हाइड्रोजन बचता है. इनको सेपरेट करने के लिए या तो हम निकल पास करके हाइड्रोजन एड्सॉर्ब करा लेते हैं, CO2 बच जाता है, या हम KOH पास करते हैं, CO2 एड्सॉर्ब हो जाता है, H2 बचता है. तो दोनों में से कोई भी स्टेप आप यूज करके सेपरेट करते हो उसको. नेक्स्ट प्रोसेस है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और अल्कली. तो एसिड या अल्कली पास करके आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, यू विल गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर का यूज हो गया. इसके बाद एसिड पर आते हैं. कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे आप रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हो, हाइड्रोजन से ऊपर होगा, वो डायल्यूट एसिड के साथ H2 जरूर देगा. अभी अगर आपको सीरीज याद नहीं है तो एक काम कर सकते हैं आप इसके लिए, कि कुछ एक्सपेंसिव मेटल्स हैं जो बिलो हाइड्रोजन है, आप उसे याद रखिए. उतने मेटल्स को छोड़ दीजिए, इनको छोड़ के बाकी सब हाइड्रोजन देंगे. अब देखिए मैंने यहाँ रिएक्शन लिखा है, डाइल्यूट H2SO4 जिंक के साथ तो H2 दे रहा है, कॉपर के साथ नहीं देता है. समझ आ रहा है? अब HCl डाइल्यूट क्यों यूज किया उसका भी रीजन देख लेते हैं हम. कॉन्क HCl आप यूज नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ फ्यूमिंग नेचर, इट कंटेमिनेट द हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के साथ मिक्स हो जाएगा और हमें सेपरेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वी प्रिफर डाइल्यूट एसिड ओनली. करिए
हो गया कॉपी? देखिए जो चीज हमने आपको HCl के लिए बताई थी H2SO4 के लिए भी एप्लीकेबल है. डाइल्यूट चलेगा, कॉन्क नहीं चलेगा क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है. आप हाइड्रोजन बनाओगे ये वाटर बना देगा उसको. इसी तरह HNO3 ना डाइल्यूट चलेगा ना कॉन्क चलेगा क्योंकि वो भी ऑक्सीडाइजिंग होता है. पूरी केमिस्ट्री में ओनली टू मेटल्स Mg एंड Mn जो डाइल्यूट HNO3 के साथ H2 देते हैं, बाकी कभी भी कोई नहीं देता, याद रखिएगा. साथ में सॉल्ट मिलेगा Mg का +2 और Mn का +2. आफ्टर दैट अल्कली से प्रिपरेशन है. देखिए ये आपने 10th में भी पढ़ा था, जिंक रिएक्शन करेगा सोडियम जिंकेट +2 वाला, टिन रिएक्शन करेगा सोडियम स्टेनेट +4 का सॉल्ट, बेरिलियम रिएक्शन करेगा सोडियम बेरिलेट +2 वाला सॉल्ट, Pb प्लम्बाइट Na2PbO2 और एल्युमिनियम मेटा एल्यूमिनेट देगा अलोंग विद हाइड्रोजन. इसमें एक नेम रिएक्शन है जहां पर KOH एल्युमिनियम की रिएक्शन आपको दिख रही है, इसे यूनोस प्रोसेस बोलते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज कलरलेस, ऑर्डरलेस, इनसेलिबल. क्रिटिकल टेम्परेचर इसका बहुत कम होता है, -236.9 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से इसका लिक्विफिकेशन नहीं हो पाता है. तो लिक्विफिकेशन इसका जो डिफिकल्ट है उसका रीजन आपको यही देना है क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है. करिए कॉपी.
कॉपी हो गया? यस सर।
देखिए जरा केमिकल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी थी आयन ऑक्साइड वाली, अब देख रहे हैं रिएक्शन रिडक्शन की रिएक्शन है, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, आयन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड दोनों को रिड्यूस कर पा रहा है ये। इसके अलावा ये एडिशन प्रॉपर्टी दिखाता है सीओ को, क्रोमियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड के प्रेजेंस में सीओ डॉट टू एच टू लिखा है, जो आपको मॉडिफाई होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है, CH3OH बना देती है। तीसरा, अगर ऑक्सीजन के साथ आपने से हीट किया तो वाटर बना देगी। तो ऐसी हाइड्रोजन की रिएक्शन सबके साथ हो सकती है, पर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ऊपर की तीन ही रिएक्शन है, उसमें से मेजर आपके जो है ये सीओ वाली रिएक्शन है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करिए कॉपी हो गया है ना? यस सर। ठीक है, हम इतना ही कर रहे हैं, हमने हाइड्रोजन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज तक कर लिया है। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन में नेक्स्ट कैटेगरी वाटर की है, H2O। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम H2O से स्टार्ट करेंगे, आप हेडिंग डाल करके रखिए, ठीक है? यस सर। और मॉड्यूल भी ट्राई करिए आप। चलो गाइज, ओके, गुड बाय। Thank you, sir. Bye.